हमारे एक भाई का हुक्म है, उसका एक दो शेर मुझे याद है, वो मैं पेश पेश कर देता हूँ, सुनिएगा। कह दीजिए सुभान अल्लाह, हुक्म है, पढ़ देता हूँ। दीवाना क्यों मचलता है उड़ीसा के, बड़े अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। दीवाना क्यों मचलता है उड़ीसा के, मुजाहिद का फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, करामते हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर नारे रिसालत। मुजाहिद का अंधेरे चमकता है, उजाले में दमकता है, अंधेरे में चमकता है, उजाले में दमकता है, कसम से चेहरा है उड़ीसा के मुजाहिद का, समझे ऐसा चेहरा है उड़ीसा के मुजाहिद का, उड़ीसा के उड़ीसा के मुजाहिद का, हबीबे तीनों मिल्लत जिसको कहते जहां वाले, बहुत प्यारा नवासा है उड़ीसा के, सब लोग मेरे साथ पढ़ें, बहुत प्यारा नवासा है उड़ीसा के। क्या दिल पे कर दे क्या दिल को कर दे हिजर में, कब तक रुलाया जाएगा, अरे या नबी हम को मदीना कब बुलाया जाएगा, या नबी को मदीना कब बुलाया जाएगा, दिल को तड़पते हिजर में कब तक रुलाया।
एक सजदे में शहादत क्यों हुई शबीर के एक सजदे में शहादत क्यों हुई शबीर की दूसरा सजदा कयामत में निभाया जा हुसैन शहादत इमाम हुसैन करामत इमाम हुसैन या हसन या हुसैन या हुसैन या हुसैन निभाया जाएगा। एक शेर और पढ़ दो, वो शेर जो मैंने पढ़ दिया मतलब एक शेर बहुत जरूरी है तमाम नौजवानों के हवाले से। जितने लोग या उसे कर रहे थे ना बड़ा मजा आ रहा था, पसंद पसंद एक अलग कैफियत सारी हो गई थी। ये नाम ही ऐसा है यार, ये नाम ही ऐसा है। मैं तमाम हुसैनियों के हवाले एक शेर करना चाहूंगा, एक शेर या नबी हमको मदीना ढाल बन कर करता है औलाद की जो परवरिश, ढाल बन कर करता है औलाद की जो परवरिश। अरे ढाल बन कर करता है औलाद की जो परवरिश, बाप के एहसान को कैसे भुलाया जा। बाप के एहसान को कैसे। अच्छा एक शेर भाई ने कहा था पढ़ने के लिए, अच्छा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ सुनिएगा। बाग थाल के रहने वाले और यहाँ पे जितने लोग जहाँ से भी आए हैं, जो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ सुनिएगा। कब बुलाया जाएगा बाप की ले ले जगह जो बाप के जाने के बाद, बाप की ले ले जगह जो बाप के जाने के बाद। अरे बाप की ले ले जगह जो बाप के जाने के बाद, उस बड़े को पल को पर बिठाया जाए।